गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ कोसाम्बा में, ये ख़त्म होने दो, बाद में करते हैं। ये देखो गाइस, इंडियन रेलवेज का ये मज़ा है भाई। शाम को जर्नी करो ना तो इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं ना कि क्या बोले। तो भाई सूरत का मैं आपको बताना भूल गया, सूरत एक तो डायमंड सिटी है, सबको पता है। और सूरत में मिलता है फेमस श्रीखंड, एक तो सूरत साइड मिलता है, या तो आप वडोदरा साइड जाओगे ना, वडोदरा साइड तो मिलेगा आपको। तो देख लेना अपने हिसाब से, श्रीखंड मिले ना तो श्रीखंड खाना, मज़ा आता है, मस्त टेस्ट रहता है श्रीखंड का। दही का ही बनता होगा, दही का ही बनता है, दही का ही बनता है। चलो अभी सिग्नल भी हो गया, फोन भी बज गया है, तो अभी निकलते हैं पार्ट टू में। ये पार्ट टू, पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो गाइस, कोसम्बा से हमारी गाड़ी निकल चुकी है। ये देखो कोसाम्बा जंक्शन, कोसाम्बा मीनम्मा का भाई कोसाम्बा। भाई ये हमें हाथ दिखा रहे, मोबाइल अंदर लो ये भाई साहब। ठीक है भाई, ले लेते हैं। बाजू में ही चल रहा है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 48 है जो मुंबई से अहमदाबाद कनेक्ट होता है। ये देखो ट्रैवल्स, देखो ट्रैवल्स, और उसके पीछे एम्बुलेंस आ रही है। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी लेकिन मुझे क्लियर आ रही है। देखो एम्बुलेंस दिखी, और देखो वो रही। ओ भाई साहब क्या नज़ारे, ये वाला नहीं आगे वाले। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं अंकलेश्वर स्टेशन, और सुबह से चाय नहीं पिए तो चाय ढूंढनी है सबसे पहले। भाई चाय ना पियो ना तो सर ऐसा भारी हो जाता है ना, क्या बताइए, सर पे किसी ने वज़न रख दिया, इतना भारी हो जाता है। तो अभी इतना ही भारी हुआ है मम्मी और मेरा सर, तो सबसे पहले एक चाय वाला ढूंढना है जो अच्छी चाय दे, बाकी सब बातें बाद में। और अभी खाना भी खाना है, देखते वडोदरा उतर के ही खाएंगे पंजाबी रेस्टोरेंट में। भूख तो जोरदार लगी है लेकिन चाय की तलब भी लगी है साथ में। भूख ज़्यादा लगी है, चाय पीनी है ये पता नहीं चल रहा है। अभी देखते जो पहले आए वो खाना आएगा, तो खाना खाएंगे या तो चाय पियेंगे, दोनों में से एक। और भाई कैसा लग रहा हो बताना, मैं काला तो नहीं लग रहा साला, यार लाइट कम पड़ रही है मेरे लिए। भाई साहब मैंने एक सिस्टम देखा, जब भी ट्रेन आती है ना तो खिड़कियों में से रुमाल पास किए जाते हैं। अभी तो नहीं है लेकिन ये खिड़कियों में से रुमाल पास किए जाते हैं, और जिस सीट पर उनको बैठना हो ना रख दिए जाते हैं। भाई ये बड़ा तगड़ा सिस्टम है कि भाई उन सीट पर कोई बैठ ना सके दूसरा, इसलिए पहले से भाई जो बैठे होते हैं साइड में उनको रुमाल दे दो और बोल दो कि भाई ये हमारी सीट है, कन्फर्म कर लेना। मतलब एक टाइप का रिजर्वेशन जैसा ही है। तो ये सिस्टम भी अच्छा है क्योंकि भाई इतने लंबे रूट का उनको दो दो तीन तीन स्टेशन आके जाना होता है, खड़े नहीं रह सकते। तो चलो हमारी गाड़ी भी निकल चुकी है, तो खड़ा नहीं रहा जाता क्योंकि पैर बहुत दुखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मुंबई लोकल में मैंने भी बहुत सफ़र किया है, इसलिए इतना खड़ा नहीं रहा जा सकता, पैरों की बैंड बच जाती है। और वैसे भी आदमी काम से थका आ रहा आता है, कहाँ खड़े रहे इतना, तो इससे अच्छा बैठने दो भाई सबको। भाई अंकलेश्वर स्टेशन से हमारी गाड़ी निकलती हुई, अरे बाबा हमारी गाड़ी निकल गई। अभी कितने बजे, ये देखो 7:22 हुए, हमारी गाड़ी 8:40 को पहुँचेगी। देखो बाबा अंकलेश्वर जंक्शन, क्या चमक रहा है बोर्ड साहब, देखो कितने सारे कंटेनर है, बापा बापा कितने सारे लाइन में लगे पड़े हैं, हजारों में कंटेनर है, हजारों में। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं भरूच जंक्शन। ये देखो अमूल। देखो भाई सामने भी चाय मिलती होगी लेकिन कोई अभी जाएगा नहीं, गाड़ी हमारे लिए रुकेगी नहीं। ये देखो कर्व पे रुकी है, क्या कर्व है, गाड़ी का एंड दिख रहा है। ओ भाई साहब रिवर्स चली गई। तो गाइस फिर 2 मिनट बाद हमारी गाड़ी निकल चुकी है भरूच जंक्शन से, और भरूच को सबसे फेमस शिंग, भरूच की फेमस शिंग, शिंग को क्या कहा जाता है, शिंग ना क्या है, मराठी में, हिंदी में शू कह,
पता नहीं, आपको आगे बताऊंगा। गुजराती में शिंग बोलते हैं, शिंग दाना, शिंग दाने, भरूच की फेमस शिंग दाने मिलती है। तो ये देखो भरूच। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पलेज, लेकिन ये देखो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये देखो कितना पानी वेस्ट हो रहा है। नल छोड़ दिया है खुला या तो टूट गया है, कितना पानी वेस्ट हो रहा है। शायद आ रही है एक्सप्रेस कोई तभी पलेज से। ये देखो इस साइड बोला ना बेहड बे मोटूलाल, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रही हो बाय। लगता है कोई एक्सप्रेस पास हो रही है, इसलिए हमको साइडिंग में कर दिया है यहाँ पर पलेज जंक्शन पे। पलेज जंक्शन या स्टेशन पता नहीं। वैसे भी अभी लगता है नींद भी बहुत आ रही है और आँखें भी बहुत जल रही है। मुंह से पानी धोना है सबसे पहले वडोदरा आते ही। अभी कौन सा है, अभी सिर्फ दो ही स्टेशन है, एक मियाँ गाँव है और दूसरा विश्वामित्र है, उसके बाद डायरेक्ट आएगा वडोदरा। हाँ तो दो ही बचे हैं अभी, अभी मियाँ गाँव और विश्वामित्र, अभी डायरेक्ट वडोदरा। तो वैसे भी अभी होकर टाइम कितना हुआ है, 7:50 हुए हैं, यानी 8:40 तक तो उसका टाइमिंग ही है पहुँचाने का। लेट पहुँचाएगी लेकिन उससे पहले नहीं पहुँचाएगी। तो अभी देखते हैं कितने बजे पहुँचाती है हमें, वैसे भी भूख भी लगी है। जैसे ही हॉर्न बजा, जितनी पब्लिक बाहर बैठी हुई थी सब की सब एक सेकंड में अंदर। भाई ये है इंजन का पावर। सो गाइस हमारी गाड़ी पहुंची है विश्वामित्र स्टेशन पर और ये देखो ये काम चल रहा है, लगता है स्टेशन का काम चल रहा है। अभी स्टेशन रिनोवेट हो रहा है। ये देखो इसका रिजर्वेशन काउंटर या इस साइड है और ये स्टेशन अधीक्षक, ये क्या लिखा है, अधीक्षक स्टेशन सुपरटेंडेंट। आँखों में नींद है और पेट में खाना नहीं है तो सोचो कैसी हालत होगी। तो अभी सबसे पहले इसके बाद आएगा सीधा वडोदरा और सबसे पहले उतरकर कुछ खाना वाना खाएंगे स्टेशन से उतरकर और फिर जाएंगे अपने जिधर जाना है उधर। तो सीधा मिलता ऑफिस सीधा वडोदरा। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके वडोदरा, वडोदरा जो भी बोलते हैं। तो भाई साहब अभी आए होटल में, होटल का नाम है सम्राट होटल, खाना खाने। भाई हालत तो टाइट हो गई है फुल, लेकिन फिर भी अभी थोड़े जैसा चल रहा है वैसा चलाते हैं। अभी खाना खाते हैं लेकिन जाते सीधा अभी लोकेशन पे, जहाँ जाना है अंकल के इधर। पाव भाजी मंगाई है और हैदराबादी बिरयानी मंगाई है, तो उन दोनों में ही चला जाएगा क्योंकि पनीर बटर मसाला तो है लेकिन इनके पास नान नहीं है, लेकिन उसके बिना खाने में मज़ा नहीं आता। तो चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल इसी ट्रेन में हमें रिटर्न जाना है वापस, तो उस वापसी की भी ट्रेन जर्नी आपको ज़रूर मिलेगी चैनल पर। एक बार चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए राधे राधे।